हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे गाइस। तो अभी देख पा रहे हो हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कैसे कैसे रास्तों से होकर हमको गुजरना पड़ रहा है यहाँ से। हम तीन लोग हैं, मामू आगे हैं और एक मामा छोटे हैं वो पीछे हैं और मैं बीच में हूँ गाइस। आपको दिखाता हूँ कैसे कैसे गुजर रहे हैं हम। ये देखो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये देखो। और ये अपने गांव का पुराना तालाब है जो नदी में बंधा है। मेरे को पता नहीं था, मैं आज जाना सोच 18 की एज हो गई, बट मेरे को आज पता चला कि यहाँ पे एक तालाब है। आज बताए मामू लोग यहाँ पे एक तालाब है करके, फूट गया है इस वजह से, इसको नहीं बंधवाए हैं अभी। वहाँ से फूटा है, आपको दिख रहा होगा, उसका चारों तरफ बंधा हुआ है और इस साइड से पानी बहते हुए आ रही है। तो गाइस अभी हम इसको पार करेंगे, आपको दिखाते हैं किस तरह से हम पार करते हैं। चलिए, तो दोस्तों आप देख पा रहे हो हम किस तरह से, नदी है, छोटा सा है, बड़ा है, यहाँ छोटा है, आगे जाके बड़ा हो गया है। ये तालाब है, इसके आगे जाके बड़ा हो गया। ये देखो दोस्तों, आप देखिए किस तरह से अपने यहाँ का व्यू है। जो अभी का मौसम कितना खास है हमारे लिए, बहुत ही अट्रैक्टिव बोले तो बहुत ही अच्छा। और हम लोग जा रहे हैं काम पे आए थे, उनको पता नहीं हम उनकी चोरी से जा रहे आम खाने के लिए। हमारे साथ क्या होता है क्या नहीं, आम मिलता भी है या नहीं हमको भी नहीं पता। और मामू आगे चले गए वहाँ, और ये छोटे वाले मामू ये रहे और मैं सबसे पीछे हो गए अभी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं फटाफट से। देखिए रास्ता, देखिए यार यहाँ का कैसा कैसा रास्ता है, कहाँ ले आए मेरे को। देखो हमारे यहाँ का जो कल्चर ही अलग है देसी स्टाइल में। ये देखो कहाँ कहाँ से कूदना पड़ रहा, ओ माय गॉड। वैसे भी मैं कांटा में गिर जाता बट बच गया, कूद गया था। देखो पानियों के अंदर से गुजरना, इस तरह से। ये देखो मामू वो रहे और हम ऊपर आ गए। तो दोस्तों हमको अभी इस साइड जाना है, इस साइड चलते हैं, इस साइड जाना है ना, इस साइड सीधे जाना है। तो गाइस यहाँ का जो देख पा रहे हैं आप, जो हरियाली है ना काफी अच्छी, फर्स्ट बारिश और हर पेड़ों में हरियाली, पेड़ पौधे जो भी हैं। तो गाइस अब हम फटाफट से चलते हैं, आपको वहाँ आगे जाकर मिलते हैं आम के पेड़ के पास। तो गाइस चलिए चलते हैं। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे देखो हम बीचों जंगल, मतलब चारों साइड से जंगल और हम जंगल के बीचों बीच में हैं। कि इस साइड भी है, इस साइड बिल्कुल पूरी चारों साइड जंगल ही जंगल है। और हम लोग वो चले, हम भी जा रहे हैं उनके पीछे पीछे। आम का पेड़ बस जस्ट पास में, हमको कितना आम मिलता है चलिए हम आपको दिखाते हैं। देखो कितने पत्थर हैं यहाँ पे। और काफ़ी दिनों बाद आपके लिए वीडियो आ रही थी गाइस, दिल से सॉरी आपको, मैं दिल से सॉरी बोल रहा हूँ कि हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार, ब्लॉग आ रही आप देखना मत भूलना। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना गाइस, जिससे वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और हमको मदद मिल सके। गाइस कब से वीडियो बना रहे हैं, एक साल हो गया बट अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला हमको वीडियो बनाते बसें। अभी हमारा वॉच टाइम भी कंप्लीट नहीं हुआ और सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो गाइस प्लीज़ आप सपोर्ट करो, जल्दी से जल्दी हमारी जो सब्सक्राइबर हैं और वॉच टाइम वो कंप्लीट हो जाए। तो गाइस अब यहाँ पे हम आम के पेड़ के पास पहुँच चुके हैं, अब हम आपको दिखाते हैं कि कितना आम मिलता है हमको। ये देखो मामू पत्थर मार रहे हैं, ये देखो कितने बड़े पत्थर उठाए हैं गाइस। और ये देखो एक भी आम नहीं गिरा पाए मामू। देखो चारों साइड देखो गाइस किस तरह से पानी भरा हुआ है, इतना ज़्यादा बारिश हुई है ना।
अभी एक आम गिरा, पता नहीं वो कच्चा है या पका। ये आम गिराते जा रहे हैं तो गाइस चलिए हम आम गिरा लें, फिर मिलते हैं। तो गाइस हमको नीचे आम एक भी नहीं मिले, दो तीन मिले थे, एक भी नहीं मिले नहीं कह सकता, दो तीन आम मिले थे जिसको अभी मामू खा रहे हैं, देख पा रहे हो। और आम नहीं मिले इस वजह से जो हमारे छोटे मामू है वो ऊपर चढ़ गए, कहाँ गए वो दिख रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, देखो ये हैं। तो गाइस ये गिराएंगे तो अभी खाएंगे हम लोग आम। आम का पेड़ इतना बड़ा है और आम भी है अभी इसमें, ये देखो आम दिख रहे होंगे आपको, ये नहीं दिख रहे, मुझे नहीं पता गाइस क्योंकि मेरा जो फ़ोन है वो लोकल है, आम तो दिख ही रहा होगा आपको, मुझे पता है। तो गाइस अभी वो गिरा लें फिर खाते हैं, चलिए। तो गाइस हमको अभी इतने ही आम मिला और ये छोटे मामू ऊपर चढ़े थे, यही हलाए हैं ऊपर चढ़ के आम के पेड़ के ऊपर, यहाँ ऊपर से ये देखो मामू आम खा रहे हैं। हमारे गाँव आइए हम आपको